और 2023 का सेमीफाइनल खेला आउट। साउथ अफ्रीका ने 1992 से वर्ल्ड कप ज्वाइन किया था, अपने 9 वर्ल्ड कप्स में से 5 मर्तबा ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची, एक मर्तबा भी फाइनल नहीं खेल सकी। लेकिन ये है आज का मैच और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये इजाज़ हासिल हो गया कि अगेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक और सेमीफाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। बासित भाई, ये क्या हुआ साउथ अफ्रीका को? वही हुआ जिसका डर था? नहीं नहीं, ऐसा आपको लगता था कि जब चोक नहीं करेगी निकलेगी आगे? भी चोक नहीं किया उन्होंने। अच्छा, सेमीफाइनल हार गए। हाँ, चोक नहीं करा आज वो हारे। हाँ, अपनी कैप्टेंसी की वजह से। अच्छा, टेम्बा, हमारे टेम्बा भाई। जी जी जी। और बैड फील्डिंग, बैड विकेट कीपिंग, और 4 कैच भी छोड़े वो भी। 4 कैच फील्डर ने, 2 विकेट कीपर। जी जी जी। बल्कि अगर दिखा सके फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। वो 4 कैचेस जो छोड़े साउथ अफ्रीका ने, कैचेस विन मैचेस, अगर दिखा सके दिखाइए। With catch goes down for South Africa. Cut shot out to deep point. Another opportunity. It was hard. Oh, has he dropped that? The reactions on field. 7 runs required. Nearly got a second go at it. अगर ये सब ना होता तो 212 के बावजूद साउथ अफ्रीका पहुंच जाता फाइनल में। 100% पहुंचता। जो पर आप, हाँ जी जी, जो मिस्टेक करी आज हमारे टेम्बा भाई ने। हाँ। जब पता है उन्हें कि ऑस्ट्रेलियन भी उसी तरह खेलते हैं जिस तरह साउथ अफ्रीकन खेलते हैं, दोनों एंड से नया बॉल लगा के, फास्ट बॉलर्स को लगा के, उन्होंने पहले 6 ओवर में 60 रन बनवा के मैच वहीं पर हार गए। उसके बाद स्पिनर्स ने गेम में दोबारा लिया है। अभी आपने 2 कैच नहीं दिखाए, एक अपना शमसी की बॉल पे स्मिथ का भी कैच छूटा था डिकॉक से। तो वो वहाँ पे क्या मिस्टेक करी, 50 ओवर का मैच खेले। इन्हें मैच खेलना चाहिए था 40 ओवर का, क्योंकि ये तो क्लियर था कि अगर बॉलों की बात है वो तो बॉलें तो बहुत बढ़िया हैं। आउट अब तो भी गेम है, बस आउट पे जीती ना। यहाँ पे उन्हें चाहिए था कि अपना ऑफ स्पिनर जो मार्करम है ना, उससे नया बॉल कराते। आप आउट करते ना, बाद में भी आउट ही किया उसने। तो अगर अर्ली ऑन 20 रन पे अगर कोई विकेट मिल जाती तो ये मैच जीत के निकलते आज। बैड कैप्टनसी। आपके ख्याल में क्या हुआ? अच्छा, और जो मैं चोक कह रहा हूँ, समझाइएगा कि यानी मैं इस सेंस में कि यानी एक टीम है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अच्छा खेलते खेल, यानी 9 वर्ल्ड कप खेली है, आधे से ज्यादा में 60% में सेमीफाइनल में पहुंच जाती है और आगे फिर आउट हो जाती है। 9 में से 7 मैच, यानी टोटल इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 10 मैच खेले हैं, 3 हारे, उसमें से सेमीफाइनल है। मतलब ये क्या इस वर्ल्ड कप में नहीं, मैं समझ रहा कि चौक कर गए हैं। बड़ी मेहनत की है उन्होंने। हाँ। 9 वर्ल्ड कप, तो फिर न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल 8 खेली, 1 फाइनल खेली। ये तो नाम उनके साथ भी फिर लगना चाहिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, सिर्फ 25 से 30 रन कम किए हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम को जीतने का मौका मिला। इतने रन में एक पार्टनरशिप लगती है, मैंने दोपहर में कहा था ट्रांसमिशन में कि 50-60 रन की जहाँ पे पार्टनरशिप लग जाएगी ना, तो साउथ अफ्रीकन टीम से मैच बहुत दूर चला जाएगा। और क्रेडिट देना चाहिए स्पिनर्स को, जैसे उन्होंने गेम में लेके आए हैं, नज़र आया कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की टीम का स्टैंडर्ड नहीं है फील्डिंग का ऐसा। हाँ, टॉप लेवल पे होती है इनकी फील्डिंग, लेकिन आज थोड़ा सा फील्डिंग में मुझे प्रेशर में लगे हैं। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए मिलर को, जैसे उसने 100 किया, बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की, एक फाइटिंग टोटल बनाया, बड़ी कैलकुलेशन करके। उसके लिए मुश्किल थी, 28 पे 4 पर आया था मेरा ख्याल है, फिर वो उसके लिए मुश्किल थी क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर अग्रेसिव खेलता है, लेकिन आज विकेट वैसी नहीं थी। बड़ी कैलकुलेशन करके उसने इनिंग्स बिल्ड की और 100 किया, बड़ी मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। और अजहर भाई, यानी साउथ अफ्रीका के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, बाकी ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जो कि इसी वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मैचेस जो हारी, और हमने यहीं पर जो है वो इन गुनाहगार आंखों से जब टेबल चलाया, तो एक दिन था जब बिल्कुल आखिरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, मतलब लिटरली दी लास्ट टीम ऑफ वर्ल्ड कप टेबल पे बिल्कुल आखिरी टीम थी, वहां से जो उठी है, तो अब ये जो बिल्कुल आखिरी टीम थी कल तक, वो अब कल फाइनल खेलेगी इंडिया के साथ। व्हाट अ कमबैक, एंड 8th फाइनल इन 13th वर्ल्ड कप। देखिए, हम इसलिए कहते थे ना, ऑस्ट्रेलिया दे फाइंड द वे, देयर वे टू यू नो विनिंग, हारी भी सिचुएशन से भी वो जीत की जो है ना वो रास्ता निकाल ही लेते हैं। और जैसे स्टार्ट किया, हम सब मिलके ये कह रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम लगी नहीं रही। हाँ, लेकिन आज जब उन्होंने सेमीफाइनल स्टार्ट किया तो आज ऐसे पूरा लगा, जिस तरीके से वो विकेट सेलिब्रेट कर रहे थे, अग्रेशन नजर आ रहा था, वो कमिटमेंट, ऑब्वियसली कमिटमेंट तो हमेशा से थी, लेकिन जो एक होता ना कि एक वाइब उनकी टीम में वो नजर आ रही है कि अब वो वापस आ चुके हैं पूरी तरीके से। यस, के अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो इस टाइम पे वो कोई पुरानी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की साइड है वैसी है, लेकिन दे गॉट देयर रिदम, देयर कॉम्बिनेशन इज राइट,
और जो इनके प्लेयर्स और ये बताइएगा भाई, यानी ये साउथ अफ्रीका की टीम जो कि टॉस जीत के जब बैटिंग करती है तो इसका मतलब होता है कि अब 300 से ऊपर की बात करो, पिछले 8 मैचेस में 300 से कम बनाया नहीं और 400 के करीब भी मुतादित बार पहुंचे, ये जो आज 212 हो गया, ठीक है पिच बट स्टिल 212 आई थिंक 24 जो आज कंडीशन थी ना, टॉस वो जीत गए लेकिन डिसीजन था ना टॉस जीतने का वो इतना आसान नहीं था, दोनों बैटिंग करना चाह रहे थे लेकिन आप ये देखें सुबह बारिश भी हुई, कवर्स भी थे, कंडीशंस भी क्लाउडी थी तो बॉलिंग के लिए भी बड़ी सूटेबल थी पहले वक्त भी, वरना क्या होता है ज़्यादा सूटेबल होती है शाम के वक्त, तो आई थिंक काफ़ी बैलेंस आउट हो गया मैच आज, तो टॉस जीतने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं था आज क्योंकि पहले 10 ओवर आपने देखें ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, कंडीशंस का पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया, उसके बाद वो संभल नहीं पाए उस तरह, वो जो डैमेज पहले 10 ओवर में हो गया, रन्स भी नहीं बने, विकेट भी गिर गई, कुछ हद तक जारी बात है उन्होंने कमबैक किया क्लासन और उसकी पार्टनरशिप जो मिलर की हुई थी उसकी वजह से वो कमबैक करके, वरना जो 10 ओवर में डैमेज हो गया था 10-12 ओवर में वो बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा टोटल नहीं कर सके। सही है। अच्छा और अब जब देखें हम कहते हैं ना भाई टीम वो होती है जो बड़े मैचों में परफॉर्म करें, तो यहाँ पर प्रिडिक्शंस भी होती हैं जाहिर है, लेकिन प्रिडिक्शन तो वो होती है जो बड़े मैचों में अगर जो है वो कोई एक अकेला मर्द मुजाहिद वो निकले और वो ऐसी, मुझे पता नहीं है, मुझे बताया जा रहा है कि भाई कोई एक आदमी है 18 करोड़ में से यानी कि इस सेट में से कि जिसकी प्रिडिक्शन सही हुई है, अब यकीनन कोई एक वो बहुत ही कोई पहुंची हुई चीज़ होगा, मैं तो उसको सल्यूट पेश करना चाहूँगा, लेकिन मालूम नहीं है वो एक कौन है, तो ज़रा पहले दिखाएं कि भाई ये कौन आदमी है जो कि वाहिद आदमी था कि कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये दिखाएं कौन है भाई, ये दिखाएं। थैंक यू। कल है साउथ अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सर आपके ख्याल में कौन जीतेगा? माय मदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। सर साउथ के लड़के जीतेंगे। साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ओके जी सर, आपने कह दिया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आई वांट साउथ अफ्रीका टू विन वैसे, लेकिन भाई यानी एक एक चीज मैंने इसी ने कहा एक मर्द मुझे एक मर्द की बात कर रहा था तो इस वर्ल्ड कप में दो ही प्रेडिक्शन अच्छी हुई है, एक नेदरलैंड जीती साउथ अफ्रीका से, आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, यानी कि चलो वो गेस्ट को तो अच्छा यार आप लोगों ने वो नहीं चलाया कि जब मैंने गेस्ट को बोला था कि आपको अल्लाह का वास्ता है आप ऑस्ट्रेलिया बोले, वो नहीं चलाया कोई बात नहीं चले, लेकिन खवातीन हजरात इस पैनल पर बैठे 6 माहिरीन क्रिकेट में से वो एक अकेला आदमी जिसका 18 से ज्यादा क्रिकेट तजुर्बा है, एक बार फिर सर आदि अदील अमजद ने साबित किया कि लेकिन मेरा सवाल वही है ये बस मतलब लोगों ने हाथ हिलाना छोड़ दिया वो, हाँ तो मतलब मैं यही कि ये कैसे मतलब मुझे नहीं ये प्लीज मैं देखिए सवाल में भी कंफ्यूज नर्वस हो रहा हूँ मैं। नर्वस आप होंगे हाँ। क्योंकि यहाँ एक मसला है जो कि मैं हर पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, मेरे साथ इफ्तिखार चाचा भी बैठे हैं, मैं आपको बताऊं मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन से अल्फाज में आप लोग को ये बात बताऊं, मेरिट मेरिट पे इस मुल्क में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ना, हमारी टीमें मेरिट पे बनती हैं, इसका प्रेडिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, अब आप देखें ना ये आप आज आपने शो शुरू किया आप चले गए उस तरफ, किस तरफ वो कह रहे थे लाइट ज्यादा आ रही है इस तरफ, नहीं आप उनकी तरफ चले गए ना, आप उनकी तरफ चले गए, अच्छा आप इसमें क्योंकि वो आपके फेवरेट है, वो आपको गिफ्ट्स लाके देते हैं, वो आपको परफ्यूम लाके देते हैं, वो आपको फूल लाके देते हैं, हम अपने मेहनत का काम करने आए हैं ये हमारी मेहनत करके आए हैं, नहीं अब आप वो देखे ना अब जब मेरा मौका है आदि भाई को हमारी तरफ वो डेविएट कर रहे हैं, मेरा कैमरा खाया जा रहा है, अच्छा मैं जब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा कैमरा खाया जा रहा है, मुझे चीजें देख के मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, मैं यहाँ क्रिकेट पे बात करने आया हूँ, मेरे भी घर पे बच्चे बैठे हुए लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे आप मुझे बोलने दे, अब ये इसकी एक वजह है क्यों इनकी प्रेडिक्शन ठीक होती है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ बोलते रहते हैं ये सोचते रहते हैं, ये सोचते हैं कि कौन किस कौन टीम अच्छी जा रही है, ये हिसाब किताब लगाते हैं, फिर यार आप इतना बोलने के बाद भी सही प्रेडिक्शन वो अकेला खामोश रहे, मतलब हमारी तवज्जो वो ले जाते हैं ना, क्योंकि बात ये है कि यानी 100 सुनार की एक लोहार की सर इस सेट पे सिर्फ एक मैं ही हूँ जो क्रिकेट के बारे में सोच रहा, बाकी सबको अपने चेकों की पड़ी है, बोले जा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, नहीं आप देखिए इल्जाम है आपको प्लीज वो हमें मिल चुके आपको मिल गया हमें एडवांस में मिलते हैं, अच्छा वो कह रहे थे छोटे चेक को जरा पहले निकाल देते हैं लेकिन मेरे साथ चाचा भी बैठे, चाचा आप बताइए मेरे साथ क्या हो रहा है, आप हमारे अपने साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई, क्या हो गया सर भाईजन, वैसे तो हम रिश्ते में क्रिकेट के चाचा लगते हैं, चाचा को बोलते हैं ठीक है, नाम है इफ्तिखार, हाँ ठीक, और वैसे सब बोलते हैं चाचा ये बड़े हैं, बड़े चाचा हैं। वो चाचा तू तेरा तो एक्सपीरियंस भी हो रहे थे लेकिन जब कप्तान बनाने की बारी आ भी रही थी तो ये
मेरे को नजर अंदाज नजर अंदाज एक सांस में तेरे साथ मेरे बात की है। आप ये एक सांस में किए मगर फिर भी मैं बड़ा दिल करूंगा अभी जो भी नया नया कप्तान कौन है शाहीन के खिलाफ अगर किसी ने कभी कुछ बात भी करने के सर, आप कल तक बाबर की नहीं कह रहे थे बात कौन है ये सर आप मैंने कभी नहीं कहे सर आपने शो में बोला है के बाबर के खिलाफ किसी ने बात की तो अच्छा नहीं होगा और ये क्या मैं या तो मैं इस दुनिया की नहीं है या आप लोग इल्जाम मेरे को तो याद नहीं है मैं तो कह रहा हूँ शाहीन जैसा एक बेहतरीन कप्तान अभी आपको मिल गया है। अच्छा अच्छा हम वर्ल्ड कप से ऊपर कुछ है वर्ल्ड कप से ऊपर तो फिर क्या मेरे को तो लगता है कि नहीं है ना कुछ नहीं आएगा फिर कभी ओलंपिक और सर टेस्ट के लिए शान मसूद को बुलाया वैसे मुझे कहते तुम वासित से भी ज्यादा सीनियर थे मगर जब कप्तान बनाने की बारी आती है इनमें से किसी ने एक आदमी ने मेरा नाम नहीं लिया नहीं ये हमारी गलती है सर ये मान रहे हैं वो गलती मानते हैं तीनों ने गलती मान ली सॉरी चाचा जी अब आप इनको माफ कर रहे थे नहीं जब ये देखो ना ये आपका कौन से थे ये जो पुराने जमाने के कप्तान थे वो 35 साल की उम्र में बन रहे थे तो मैं तो फिर भी 22 का है वसीम भाई अभी हम एक बात करना चाहते हैं वो क्या अभी वनडे का कप्तान नहीं बना मैं आपको एक मशवरा दे रहे थे एक बात बताऊं आप गलत लोगों से रब्ता कर रहे थे इससे रब्ता करना अगर हम क्विकली शशान मसूद और शाहीन आफरीदी की स्टैट्स दिखा सकेंगे फिर शाहिद भाई से ये सवाल करना मैं उनकी तरफ लेके जाता हूँ कि अगर हम दिखा सकें शाहीन शाह आफरीदी के एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी अगर हम यहाँ दिखा सकते हैं ताकि मैं देख सकूँ अगर स्क्रीन पे दिखा सकें शाहीन शाह आफरीदी के और शान ओके सो शाहीन आफरीदी ने कप्तान के तौर पर लाहौर करने कप्तान रहे वो 25 मैचेस खेले 17 जीते 7 हारे आगे बढ़े अगर हम आपको एक क्विक रिव्यू दे रहे हैं शाहीन आफरीदी ने T20 इंटरनेशनल में ओवरऑल ऑफकोर्स नॉट एज अ कैप्टन 52 मैचेस खेले हैं 64 विकेट लिए यानी तकरीबन हर 22-23 रन के देने के बाद एक विकेट लिए और इकोनॉमी है 7.63 यानी कि तकरीबन हर ओवर में उन्होंने 7.5-8 रन दिया है T20 इंटरनेशनल में। शान मसूद का भी हम दिखा सकते हैं शान मसूद काउंटी भी खेलते हैं यॉर्कशायर के भी कैप्टन है 13 मैच खेले एज अ कैप्टन 6 जीते 6 हारे एक का कोई रिजल्ट नहीं आया और टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने शान मसूद 30 मैच खेले 56 इनिंग्स खेली है तकरीबन 1600 रन है तकरीबन 29 का एवरेज है पर इनिंग्स 29 तो शाहिद भाई क्या आप ये मैंने स्टैट्स भी बता दिए आपका क्या ओपिनियन है ये दो नए नामजद कप्तानों पर। देखिए शान तो एक बहुत डिसिप्लिन्ड क्रिकेटर है बहुत तमीज़दार बहुत ग्रूम्ड प्रॉपरली लेकिन उसका जो रन्स का कॉलम है वो गैर मुतासिर कुन है उसको अपने रन्स के कॉलम में 29 तो कोई खास एवरेज नहीं होता टॉप ऑर्डर बैट्समैन का कम से कम 40 पे लेके जाना होगा और ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत ही टफ होगा ये 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होंगे तो दोनों के लिए और न्यूजीलैंड में T20 बहुत टफ होंगे शाहीन के लिए तो पाकिस्तान की कप्तानी एजाज तो है लेकिन साथ ही साथ कांटों की सेज भी है और कोई अपना चाहते हुए ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी को कांटों में धकेलूं तो शाहिद आफरीदी कभी भी नहीं चाहेगा शाहीन आफरीदी कप्तान बने उसने हमेशा एडवोकेट किया है रिजवान की कप्तानी को अब रिजवान का चूंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एक वो साया ग्रुप और याजू कंपनी का चल रहा है इसलिए शायद रिजवान के नाम पे पूरा फाल नहीं खुला। ओके अच्छा ये मुस्तफा भाई भी एक सवाल करना चाह रहा है शायद भाई ये मैं कह रहा था बात तो कर रहे हैं लेकिन पीछे आपने स्त्री कुला छोड़ दिया आग ना लग जाए मुस्तफा की खास बात है कि सामने नहीं देखता पीछे देखता है बैकग्राउंड देख रहे हैं बैकग्राउंड मुस्तफा असल में मेरा आगे की सोच भाई के साथ वही से लिए आगे की सोच ये स्त्री भारत की है नहीं ये यही के बासित भाई पूछ रहे हैं नहीं भारत वाली स्त्री तो नहीं मिली होगी नहीं ये कमरे में मिलती है कमरे में मिलती है मैं जरा कपड़ों का ख्याल रखता हूँ इसलिए कि मुझे अपने इदारे का नाम रखना होता है वो भी इंडिया में तो मैं कपड़े अच्छी तरह स्त्री करके जाता हूँ तो ये स्त्री मेड इन पाकिस्तान है होटल से कम्प्लेन आई है शायद कि आप स्त्री को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई जाती बातों के लिए नहीं हो रहे क्रिकेट का शो है एज अ क्रिकेट एनालिस्ट देखो बड़े बड़े क्रिकेटर्स में बैठना होता है बड़े बड़े क्रिकेटर्स का ऑन फील्ड इंटरव्यू करना होता है तो अच्छी सफाई अच्छे साफ सुथरे कपड़े इसलिए मैं अपने इदारे का रिप्रेजेंटेटिव भाई गंगुली का इंटरव्यू किया शायद मैंने गंगुली को जानते हो ना कौन है हां गंगुली मैं आज 42 की जंग में वही था ओ भाई अबे यार ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ग्रेटेस्ट वसीम भाई कोई
जो है वो सफेद बॉल का कैप्टन बनाने का बोल रहा है।